भाई, सभी लिखना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल डे। यानी फ्रेंच को उस दिन, मैं थोड़ी हिंदी लिखा रहा हूं प्रश्न की, फ्रेंच को उस दिन क्या तैयार करके स्कूल जाना था, क्या तैयार करके स्कूल जाना था, यानी उसे क्या तैयार करके जाने की आशा की जा सकती। तो बताइए, आपको पता है कि वो पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछने वाले थे उसके अध्यापक, और वो पार्टिसिपल्स उसको तैयार करके जाने थे। तो देखिए, फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड विथ पार्टिसिपल पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे फॉर स्कूल दैट डे द फ्रेंच टीचर इज फ्रेंच टीचर एम हेमल इज फ्रेंच टीचर एम हेमल हैड सेड दैट had said that लिखते चलें। His French teacher M. Hamel said that he would question the class he would question the class on participle on participles, but he did not prepare but he did not prepare them। यानी फ्रेंच को उस दिन पार्टिसिपल तैयार करके विद्यालय जाना था, तैयार करके विद्यालय जाना था। फ्रेंच के अध्यापक एम हेमल ने यह कहा था कि अध्यापक
एम हेमल ने यह कहा कि वह कक्षा में पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे कि वह कक्षा में पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे, लेकिन उसने उनको तैयार नहीं किया था, लेकिन उसने उनको तैयार नहीं किया था। देखिए, ये जो मैं आपको हिंदी लिखा रहा हूँ, पेपर में आपको हिंदी नहीं लिखनी है, केवल आपके लिए लिखा रहा हूँ मैं, ताकि आप अच्छे से प्रश्नों को समझ सके और उनको याद कर सके। आप फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड यानी आशा की जाती थी विद पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपलों को याद करके जाए और स्कूल दैट डे उस दिन इस फ्रेंच टीचर एम एमल हैड सेड दैट उसके फ्रेंच टीचर एम एमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन द क्लास ऑन पार्टिसिपल्स कि वह कक्षा से पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। ही वुड क्वेश्चन बट ही डिड नॉट प्रिपेयर देम, लेकिन उसने उनको तैयार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल यानी होता है असाधारण, अनयूजुअल अबाउट द स्कूल, दैट डे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रेंड ने उस दिन स्कूल में क्या असाधारण बात देखी, फ्रेंड ने उस दिन स्कूल में क्या असाधारण या असामान्य असाधारण एक ही बात होती है, फ्रेंड ने उस दिन स्कूल में क्या असाधारण बात देखी, क्या असाधारण देखा, एक ही बात तो उस दिन उसने बताओ स्कूल में क्या असाधारण बात देखी थी। हाँ भाई रजनी, क्या देखा था उसने स्कूल में असाधारण? सर की सारे कक्षा में चुप्पी छाई हुई थी, सन्नाटा छाया हुआ था। हाँ, और तो देखिए क्या क्या चीज देखी थी उसने। देखिए क्वेश्चन आया आपका, देखिए किताब में आपने देखा होगा एवरीथिंग वाज एज संडे मॉर्निंग, कहीं से आया है ये, देखिए कहाँ से। देखो ये रहा, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी उस दिन ऐसा था जैसे कि बिल्कुल रविवार की शाम हो, वो रविवार की सुबह हो। आंसर लिखिए, एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी प्रत्येक चीज रविवार की सुबह के जैसे क्या थी, शांत थी। हिज क्लासमेट्स एंड द टीचर वाज
ऑलरेडी इन द क्लास हिज क्लासमेट्स हिज क्लासमेट्स एंड हिज टीचर was already in the class already in the class उसके अध्यापक और उसके जो क्लास में थे वो पहले से ही कक्षा में बैठे हुए थे और देर वॉज नो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क और क्या था वहां पर देर वॉज नो वॉइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग no voice of opening and closing the desks वहां जो दराजे हैं उनको खोलने बंद करने की आवाज नहीं आ रही थी और रिपीटेशन ऑफ लेसन इन यूनिसन एंड द रिपीटेशन एंड द रिपीटेशन ऑफ लेसन यूनिसन और पाठों को एक स्वर में दोहराने की भी आवाज नहीं आ रही थी उतारो वही फटाफट The teacher was silent अध्यापक बिल्कुल शांत था एंड अध्यापक बिल्कुल शांत था एंड इज ग्रेट एंड देयर वॉज नो एनी वॉइस देयर वॉज नो वॉइस ऑफ हिज रेगुलर ऑफ हिज रेगुलर रैपिंग ऑन द टेबल रैपिंग माने खटखटाना रैपिंग ऑन द टेबल यानी हाँ भाई दिक्कत तो नहीं आ रही उतारने में
हाँ भाई कुंतल, कुंतल कुमारी है क्या? कुंतल बेटा आवाज आ रही है? सर आ रही है, कुंतल आवाज आ रही है? साफ सर दे दिखाई दे रहा है? रहा हाँ भाई, अब देखिए, एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। प्रत्येक चीज रविवार की सुबह के समान, प्रत्येक चीज रविवार की सुबह के समान शांत थी। रविवार की सुबह के समान शांत थी और उसके सहपाठी और अध्यापक टी ए सी एच ई आर और उसके सहपाठी और अध्यापक पहले से ही कक्षा में बैठे पहले से ही कक्षा में थे या बैठे थे की बात है। देयर वॉज नो वॉइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क। वहां मेजों को खोलने और बंद करने की कोई आवाज नहीं आ रही थी और ना ही पाठों को दोहराने की कोई आवाज थी, ना ही पाठों को दोहराने की कोई आवाज थी। द टीचर वॉज साइलेंट। अध्यापक शांत था और उसके डंडे की और उसके डंडे की टेबल पर खटखटाने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यानी सूचना पट पर क्या लिखा गया था? प्रश्न ये दूसरी तरीके से भी आ सकता है कि
When the French was passed the town hall, some pupil was reading on bulletin board what was new on the bulletin board. प्रश्न कैसे भी हो सकता है, यानी बुलेट, लेकिन उसका अर्थ यही है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था. तो देखिए क्या लिखा हो गया था, मैंने आपको बताया था बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था. अबे कुलराज क्या दिक्कत है बेटा तुमको, कुलराज अरे कुलराज को क्या दिक्कत है भाई, दिखाई दे रहा नहीं है, क्या क्या समस्या है बेटा. कुलराज अनुज कोई दिक्कत नहीं है सर. हाँ तो किया, अगे देखो अगला क्वेश्चन, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था. हाँ सर देखिए, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, देखिए मैंने लिखवाया था आपको, अंडरलाइन करवाया था, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, उसके टीचर ने बताया था बर्लिन से आदेश आ गया है तो कल से स्कूलों में क्या है कि जो फ्रेंच भाषा है वो बंद कर दी जाएगी और जर्मनी पढ़ाई जाएगी, ऐसा बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था. तो देखिए यह है, देखो यहाँ पर है पेज नंबर 4 पर है, उसने लिखा था माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सेस एंड फ्लोरेंस. तो देखिए एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, देयर वाज ए नोटिस, देयर वाज ए नोटिस on bulletin board that the order has come from Berlin the order has come from Berlin to teach only German German in the schools of in the schools of Alsace and Lorraine, schools of Alsace and Lorraine, the new master comes tomorrow. The new master, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से इसको बिठाती हूँ, the new master मारो, यानी सूचना पट पर एक समाचार था कि
सूचना पट पर एक समाचार था कि अब कल से और लॉरेंट के स्कूलों में अब कल से और लॉरेंट के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। सूचना पत्र पर यहाँ ये लिखना बर्लिन से, सूचना पत्र पर बर्लिन से एक समाचार था कि स्कूल अल्सेस और लॉरेंट के स्कूलों में अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आएगा। अगला क्वेश्चन है चार, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल डे। बर्लिन से आए आदेश ने उस दिन आए आदेश ने उस दिन स्कूल में क्या क्या परिवर्तन कर दिए। उस दिन स्कूल में क्या क्या परिवर्तन कर दिए, तो उसने बताइए क्या क्या परिवर्तन कर दिए थे। ये भी वही सेम है क्वेश्चन, पहले आ चुका ये वाला क्वेश्चन सेम, और उस दिन स्कूल में क्या क्या परिवर्तन हुए, बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसा दिख रहा था स्कूल। देखिए क्या क्या थे इसमें, क्या क्या परिवर्तन हुए, ये क्वेश्चन है ना उसके बाद का है, तो अपन इसमें देखेंगे क्या था।
दरवाज़, मैनी चेंजेस, आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। नंबर वन, एवरीवन वाज स्कूल लोकड़ो लाइक संडे मॉर्निंग। नंबर सम ब्लेजर्स वर सिटिंग बिहाइंड द क्लास कुछ गांव वाले कक्षा में पीछे बैठे हुए थे। देवर लिसनिंग देयर टीचर साइलेंटली। Everyone was set to work करते व्यक्ति अपने कार्य में लगा हुआ था। और Some beetles flew the children were pressing their fish hooks pressing their fish hooks the pigeon was cooked The pigeons cooked very low, cooed very low on the बर्लिन के आदेश से वहां बहुत सारे परिवर्तन थे। बर्लिन के आदेश से वहां बहुत सारे परिवर्तन थे। नंबर एक, द स्कूल लुक्ड लाइक संडे मॉर्निंग। विद्यालय
रविवार की सुबह जैसा दिखता था। विद्यालय रविवार की सुबह जैसा दिखता था। सम लीडर्स वर सिटिंग बिहाइंड द क्लास। कुछ गांव वाले कक्षा में पीछे बैठे थे। दे वर लिसनिंग देयर टीचर साइलेंटली। वे अपने अध्यापक को शांति से सुन रहे थे। अगला है एवरीवन वाज सेट टू वर्क। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में लगा था। अगला है द चिल्ड्रन वर प्रेसिंग देयर फिश हुक। बच्चे अपने मछली पकड़ने के कांटे को ट्रैप बना रहे थे। बच्चे अपने मछली पकड़ने के कांटे को ग्राफ कर रहे थे और द पिजन्स वर फूड वेरी लो ऑन द कबूतर छत पर बहुत धीमे ऊपर। अगला क्वेश्चन हटाओ। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एन एमल एंड स्कूल चेंज। क्वेश्चन अगला है आपका हाउ डिड ए फ्रेंड्स फील फीलिंग्स फ्रेंड्स फीलिंग्स about an animal and school change. प्राणी एन हेमल तथा स्कूल के बारे में फ्रेंड्स की भावनाओं में क्या परिवर्तन आया। फ्रेंड्स की भावनाओं में क्या परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया था जब उन्होंने देखा टीचर ने कि देखो हम कहाँ आ चुके हैं, आज हमारी जो भाषा है वो बंद हो रही है, तो सभी को जो भाषा है ना वो बिल्कुल स्मूथ लगने लगी। पहले तो फ्रेंच क्या करता था, अपने टीचर से घृणा करता था, लेकिन वो धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगा था। जब उसने ये देखा
देखिए फ्रेंच रिटायर्ड टीचर एंड योगा टीचर एंड योगा फ्रेंच अपने अध्यापक और उसके डंडे से देखना पड़ता था कि अवॉइड टू एंजॉय अवॉइड स्कूल अवॉइड स्कूल वो स्कूल को छोड़ देता था अवॉइड स्कूल टू एंजॉय स्लाइडिंग एस एल आई डी आई एन जी स्लाइडिंग एंड और क्या करता था वो स्लाइडिंग करता था सार पर जाता था स्लाइडिंग एंड एंड फोर सिंपल वर्ड्स है अब चूंकि अंडे क्लास का रहता था बट वेन ही न्यू अबाउट द बट वेन ही न्यू अबाउट द जैसे उसे जानकारी हुई अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन जैसे उसे बर्लिन के आदेश की जानकारी हुई जैसे बेटा उसकी जानकारी हुई ना तो उसे वो फ्रेंच भाषा ना बहुत अच्छी लगने लगी थी बेटा ना उससे विचार होता थे सडनली चेंज इज आइडियाज उसने अपने स्कूल से प्रेम करना शुरू कर दिया एक बुक्स और उसने अपने अध्यापक से भी
प्रेम करना शुरू कर दिया। प्रेम अपने अध्यापक और उसके डंडे से डरना करता था, अवॉर्डेड स्कूल एंजॉय वह पक्षियों के अंडे तलाश में एवं सार पर संगे जाने के लिए स्कूल की उपेक्षा करता है। उपेक्षा करता था लेकिन जब उसे बढ़ने लेकिन जब उसे बढ़ने के आदेश के बारे में पता चला अचानक उसके विचार अपने टीचर और फ्रेंच भाषा के प्रति अचानक उनके विचार उसके टीचर और फ्रेंच भाषा के प्रति बदल गए। ही स्टार्टेड लविंग हिज स्कूल हिज बुक्स एंड हिज टीचर्स आल्सो। उसने अपने अध्यापक और अपनी पुस्तकों को प्रेम करना शुरू कर आपका ये खुद क्वेश्चन और लिख लो। आप इसका आंसर आप खुद लिखोगे। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन आप देखेंगे उसका आंसर आप खुद देखेंगे। व्हाट वाज रिटन बाय हिज टीचर एट लास्ट, यानी अंत में उसके अध्यापक द्वारा एट लास्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड यानी अंत में उसके अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा गया था। तो देखिए इसका उत्तर है यहाँ से है
देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अंडरलाइन कर लो लास्ट में, ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड टू के पाइस ऑफ चाक एंड बियरिंग ऑन इज ऑल इज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड वेव लाफ्रांस देन ही स्टॉप एंड लीन इज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड स्कूल इज डिसमिस यू मे गो। ये इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब इसमें बताया जाएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था एक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यानी नवंबर जो क्वेश्चन आएगा ये 7 नंबर का होगा, यानी इसमें से दो क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ा, 4 छोटे आएंगे और 2 बड़े आएंगे, तो वो 7 नंबर का होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, मैं आपको लिखा रहा हूँ इसमें जो बन रहा है। क्वेश्चन है देखिए आप, 10 थिंग्स things will be weird then will be weird then singing German German, even the pigeons. What could this mean? यानी फ्रेंच सोचता है क्या वे उन्हें जर्मन में गाने को बंद करेंगे, फ्रेंच सोचता है कि क्या वे जर्मन में क्या वे उन्हें जर्मन में गाने को बंद करेंगे, कबूतरों को भी इसका क्या मतलब हो सकता है? यानी लेखक यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो कबूतर को देखता है ना उसमें घूमते हुए, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने कबूतरों को भी जर्मन भाषा गाने के लिए बाध्य कर दिया है। तो वो ये कहता है कि भाई हम तो चलो जर्मन पढ़ लेंगे, तो क्या हमारे पक्षी भी क्या करेंगे, जर्मन पढ़ने के लिए बाध्य होंगे? ये आपका इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। देखिए इसका आंसर उतारो फटाफट, उतारो जल्दी से।
इफ यू पिजन्स वर कुकिंग ऑन द होम वर फूड on the roof. Friends heard them cooked on the roof. Friends heard them whether the German soldiers would force them even the pigeons to speak German. Even the pigeons to speak German. It was like to do impossible work. Nobody is powerful to replace their language. Nobody is powerful to replace their language. If the Germany will force their language, their language to Alsace and Lorraine, Alsace is spelling Lorraine, I see, and Lorraine.
and Lorraine, they would never accept this. They would never accept this. They can impose their language in schools. Says, but the people of houses and Lorraine would not. Cannot be their language, cannot be their language, just as the word speak. Nobody forced them to change their language. Such attempts would always be futile. Such attempts देखिए, इसका आप मैं बता रहा हूँ, इसे सुने, हिंदी नहीं बताऊंगा मैं इसकी। ए फ्यू पिजन्स वर कूड ऑन द रोड,
प्रत्येक का मीनिंग बोल रहा हूँ, आप देख ले, लिख ले मीनिंग, किसी को फिर समझ नहीं आया तो। ये फ्यू माने कुछ, पिजन्स माने कबूतर, और कूड माने कुकू कर रहे थे, उनका रूप छप्पर, ट्रेंच हर्ड, ट्रेंच ने हर्ड माने सुना, देन माने उन्हें, कि थॉट दैट उसने सोचा कि वेदर शायद द जर्मन सोल्जर, शायद जर्मन के सिपाही वुड फोर्स इवन द पिजन्स, कि शायद जर्मन के सिपाही वुड फोर्स माने बैद करेंगे, इवन माने यद्यपि द पिजन्स माने कबूतरों को भी, टू स्पीक माने बुलवाने के लिए, जर्मन माने जर्मन भाषा। या तो फिर फ्रेंच ने सोचा कि शायद ये जो सिपाही हैं, जर्मन के सिपाही हैं ना, ये शायद कबूतरों को भी जर्मन भाषा बुलवाने के लिए बैठ करेंगे। इट वॉज लाइक टू लुक इम्पॉसिबल, और ये उसे बिल्कुल भी असंभव दिखाई दे रहा था, असंभव कार्य दिखाई दे रहा था। फ्रेंच थॉट दैट, फ्रेंच ने सोचा कि नो बॉडी इज पावरफुल, कि कोई भी आदमी इतना ताकतवर नहीं हो सकता टू रिप्लेस देयर लैंग्वेज, कि वो उनकी भाषा को ही बदल दे। इफ द जर्मनी में फोर्स, यदि जर्मनी विल फोर्स माने बाध्य करेगा, देयर लैंग्वेज अपनी भाषा को बुलवाने के लिए टू अल्सेस एंड लॉरेन, तो दे वुड नेवर एक्सेप्ट दिस, तो वे उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। दे कैन इम्पोज देयर लैंग्वेज इन स्कूल्स, कि वो अपनी भाषा को स्कूलों में तो थोप सकते हैं, बट द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन कैन नॉट लीव देयर लैंग्वेज, लेकिन अल्सेस और लॉरेन के जो लोग हैं ना, वो अपनी भाषा को कभी नहीं छोड़ेंगे। जस्ट एज द बर्ड स्पीक देयर लैंग्वेज, जैसे कि पक्षी अपनी भाषा बोलते हैं, इन द सेम वे, इसी प्रकार प्यूपिल स्पीक देयर लैंग्वेज, और इसी जैसे पक्षी अपनी भाषा बोलते हैं ना, तो खग जाने खुद की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा जान जाता है, तो ऐसे लोग भी अपनी भाषा ही बोलते हैं, वो अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा बोलते हैं। नो बॉडी शुड फोर्स देम टू चेंज देयर लैंग्वेज, और किसी को भी उन्हें अपनी भाषा बदलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। सच अटेम्प्ट्स वुड बी ऑलवेज फ्यूटाइल, और यदि कोई करेगा ना किसी की भाषा को बदलने का, तो ऐसे प्रयास है ना ऑलवेज भी फ्यूटाइल, हमेशा फ्यूटाइल यानी बेकार चले जाएंगे। तो ये लेसन आपका पूरा हो चुका है, कल आपसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 पूछे जाएंगे, आप याद करके लाएं। ये पार्ट खत्म हो गया, कल पोएम चलेगी और उसके क्वेश्चन आंसर सुनेंगे। आज के लिए इतना ही, काफ़ी टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, और अभी 20-25 मिनट बाद आपकी केमिस्ट्री क्लास शुरू होगी, 9 बजे का है आपका टाइम, लेकिन 9:15 तक आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ भाई, और जिसको क्लासरूम आईडी नहीं मिली है वो क्लासरूम आईडी दे रहे हैं, और आपकी फिजिक्स की क्लासेस भी चालू हो जाएगी, या तो आज से चालू हो जाएगी या फिर कल से चालू हो जाएगी। ना आप चालू सोना सोनम योगेश, सोनम कुमारी चल रही है यहाँ से, तो भाई ब्रिटेन आ रहा है, चल रही है यहाँ से। अपना मोबाइल नेटवर्क देखो बेटा, नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। हाँ भाई, सबने उतार लिया? हाँ भाई रजनी बेटा, उतार लिए क्या? उतार लिया सर। रजनी बेटा यहाँ से तो चल रही है। yes. राहुल ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। ओके, बाय बाय सर, नमस्ते।